हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस का। और जैसे कि हमने कल के वीडियो में पार्ट वन क्लियर कर लिए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आप जाके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके यहाँ से फॉलो करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने कल के वीडियो में 10 तक सवाल क्लियर कर लिए थे, जो भी था, मतलब कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला था और साथ ही साथ कुछ सवाल भी था। ठीक है, तो 10 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, तो आज करेंगे 11 से। ठीक है, देखिए सवाल हम लोग का यही है। यदि कोई वस्तु टी घंटे में ए से बी तक 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस बी से ए तक वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो उस वस्तु द्वारा आने तथा जाने में तय की गई दूरी क्या होगी? ठीक है, तो ये हम लोग का डाटा है। ठीक है, देख लीजिए पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे ज़्यादा, और ये हम लोग का सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका डाटा और ये हो गया आपका सवाल। डाटा का मतलब कि ये जो सवाल है, इस डाटे पे मतलब सेट हुआ है। ये जो समझ जाएंगे ये आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, टी घंटे में ए से बी तक 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, तथा बी से ए तक वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर निकल जाता है, 2 × x × y / x + y cos 1 × t। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है, समझ लीजिएगा तो एकदम इजी लगेगा आपको। इतना बड़ा सवाल आप एग्जाम में शॉर्टली बना सकते हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु 5 घंटे में ए से बी तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो उस वस्तु द्वारा आने तथा जाने में तय की गई दूरी क्या होगी? यही कह रहा है, और डाटा भी यही चीज़ कह रहा था, सेम चीज़। तो कहने का मतलब है, ये जो बच्चे समझ जाएंगे ना, तो इस डाटे पे आप मान रख के खुद एकदम एकदम निकाल सकते हैं कि कौन से जगह पे क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में 2, तो 2 तो ये तो आपका हो जाएगा। एक्स देखिए, एक्स यहाँ पे आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मिल जाता है एक्स, तो यहाँ पे इसको मान लेंगे एक्स। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वाई, तो ये हो गया आपका वाई, हो गया ना। अब देखिए मान रख दीजिए आप यहाँ सिंपल सी, तो 2 हो गया, एक्स का मान आपका 10 हो गया और वाई का मान आपका 15 हो गया, बटा में कर दीजिए, एक्स वाई का मान कितना है, तो एक्स का 10, वाई का मान 15 रख देंगे, इंटू क्या है, तो यहाँ पे टी है, तो टी का मान यहाँ पे क्या है, तो 5 घंटा है, तो टी का मान यहाँ पे 5 घंटा रख देंगे। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, आप समझेंगे आराम से ना, तो काम हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको ऐड कर दीजिएगा × 5। आप जैसे ही मतलब पूरा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 60 किलोमीटर, हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको इस सवाल में या फिर इस लेवल के सवाल में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि आपका फ़र्ज बनता है पूछना, और बताना मेरा फ़र्ज बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का 12 नंबर सवाल है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा। यदि कोई वस्तु टी घंटे में ए से बी तक 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस बी से ए तक वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो वह निश्चित दूरी है। अब देखिए यहाँ पे समझने योग्य बातें हैं, कुछ खास नहीं है, एकदम सिंपल सा सवाल है। कह रहे कि टी घंटे, तो टी घंटे हो गया ये आपका फॉर्मूला, x × y x + y हो गया ना, x × y और x + y। अब देखिए × t, उसके बाद यहाँ आप चलिए सवाल पे चलते हैं डायरेक्ट। यदि कोई वस्तु 7 घंटे में ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो वह निश्चित दूरी क्या होगी, यही पूछ रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 30 × 40, क्योंकि यहाँ पे x × y है, तो इसको 30 × 40 कर सकते हैं ना, क्योंकि x का मान यहाँ पे है तो यहाँ पे x हो जाएगा, y यहाँ पे है तो y का मान हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे भी है। ठीक है, हो जाएगा, मान रख दीजिए। फिर
एक्स इंटू वाई है ऊपर का मान, तो एक्स प्लस वाई का मान वही होगा, सेम होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इंटू करना है टी का मान कितना है यहाँ पे, टी घंटे है तो यहाँ पर टी घंटे देख लो कितना है, तो 7 घंटे है तो 7 रख दीजिएगा, उसको आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, वो मोबाइल बज रहा था इसको मैंने सोचा कि स्टॉप कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने समझ गए, ये डाटा समझ गया कि कैसे कैसे हुआ। फिर मान रख देना है टी है, तो यहाँ टी है तो यहाँ पर टी देखिए, टी का मान है 7, 7 रख के आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है और देखिए आप समझेंगे आराम से डाटा को तो आप पे कभी भी बना पाएंगे। थोड़ा सा तो भाई हर एक चीज़ में माइंड लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ ट्रिकली सीखेंगे। और देखिए ट्रिक क्या चीज़ है ना, कि ट्रिक के एक बार पढ़ेंगे दो बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा, सोचेंगे कि एक बार पढ़ के उसको छोड़ दे याद रहेगा ज़िंदगी भर, तो आप मतलब 10 दिन में भूल जाएंगे। ट्रिकली का ये चीज़ जो मतलब होता है कि आप डेली रिवाइज करते रहेंगे और मतलब कि वो चीज़ अपने माइंड में मतलब घुमाते रहेंगे बार बार उस पर। अब मान लीजिए कि ये सवाल हो गया, ठीक है समझ लीजिएगा ये सवाल हो गया हम लोग का, तो यहाँ पे हमने 30 है ना, तो आप यहाँ पे कुछ अलग डिजिट करके रखिए, यहाँ पे कुछ अलग करके देखिए, ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए। ये सोचिए ये नहीं कि हमने आपको बता दिया कि आपका काम देख कर ख़त्म हो गया, नहीं, ये आपका फ़र्ज नहीं बनता है। आपका फ़र्ज बनता है कि हमने ये चीज़ बता दिया डाटा पे, आप वहाँ पे कुछ डिजिट मतलब चेंज करके बनाइए एक बार बिना देखे हुए, तब आप समझिए कि आप बना रहे हैं, ऐसे होता है। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं, अगला नंबर सवाल है हम लोग का 13 में। यदि कोई वस्तु T1 घंटे में ए से बी तक 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस बी से ए तक 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से T2 घंटे में वापस आती है तो वह निश्चित दूरी है, यही पूछ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे इक्वल हो गया बराबर आपका x इंटू वाई बटा में x तथा y का अंतर इंटू T1 तथा T2 का अंतर, यानी कि इसका मतलब क्या, T1 और T2 का अंतर मतलब घटाओ, यानी कि इसको घटाना है, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसी पे आपका सवाल मिलता है नीचे की ओर, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये हो गया हम लोग का सवाल, सवाल यही कह रहा है, पढ़ के बता देते हैं। यदि कोई वस्तु 3 घंटे में ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में वापस आती है तो वह निश्चित दूरी क्या है। अब देखिए एक्स वाई तो सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्स रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स है तो इसके सामने एक्स देखो यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है तो वाई देखो इसके सामने कहाँ पे, तो वाई ये हो गया, तो 40 30 हो गया, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे मान रख देंगे, फिर एक्स तथा वाई का अंतर कहने का मतलब क्या है, घटाओ, आपको मैंने बताया अंतर बोले घटाओ, युग्म बोले जोड़, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये आपका सिंपल सा बात है। अंतर कहीं बोले तो समझिए घटाव कह रहा है, योग बोले योग तो ये जानो कि आप वहाँ पे कह रहे हैं जोड़ने का, हो गया ना ये काम क्लियर। अब देखिए तो एक्स तथा वाई का अंतर आपने निकाल दिया, 40 माइनस 30 हो गया है, इंटू अब कह रहे हैं T1 तथा T2 का, तो T1 इसमें कहाँ है, तो T1 यहाँ पे है तो T1 ये हो गया, T2 कहाँ है तो T2 यहाँ पे है तो T2 आपका ये हो गया, तो 3 यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं तो 4 माइनस 3 ये हो गया T1 तथा T2 का अंतर, हो गया ना। अब देखिए इतना करने के बाद आपको ये सब तो कैलकुलेशन तो आप सिंपल से कर लेंगे मुझे मालूम है, 30 × 40 करेंगे, उसके बाद 40 में से 30 घटाएंगे 10 आ जाएगा, इंटू 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, सिंपल से इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर राइट आंसर। ठीक है तो ये रहा अभी का सवाल, चलिए आगे देखते हैं। कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा खुद से एक बार प्रयास कीजिएगा, मतलब डिजिट चेंज कर करके आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा मुझे विश्वास है, और जो लोग ऐसे करेंगे एकदम 100% मैं गारंटी देता हूँ कि उनका सफलता ज़रूर मिलेगा। देखिए अभी मैंने के आपको वीडियो दिखाऊंगा, अभी मतलब अभी नहीं, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इतना मस्त वीडियो है ना आप देखकर, मैंने अभी मेरा तो एक एज मतलब ख़त्म हो गया, तो अगर रहता तो मैं तो भाई कुक में भी जाता, आप देख लीजिएगा कुक का वीडियो कैसा है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, एकदम लाइव प्रूफ है वीडियो कुकिंग का, नेवी का, वो कुछ मैंने मतलब की जुगाड़ की है, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर सवाल है हम लोग का। यदि कोई वस्तु एक निश्चित दूरी को x
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो वह निश्चित समय T1 घंटे देर में पहुंचता है, और Y किसी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो वह निश्चित समय T2 घंटे पहले पहुंचता है, तो वह निश्चित दूरी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, X किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे Y किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है ना, तो X इंटू वाई, X तथा Y का अंतर, फिर T1 तथा T2 का योग। आपको देखिए हमने देखा नहीं था योग का मतलब जोड़, हो गया ना, ये चीज़ क्लियर हो गया, योग और अंतर दोनों चीज़ क्लियर हो गया। अब नीचे आते हैं सवाल की ओर, सिंपल सी बात है, इसको पढ़ो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो गया आपका 8, ठीक है, 8 हो गया ना, यहाँ पे जब तक आपको डाटा नहीं दिखेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो 8 हो गया, तो ये x इंटू वाई हो गया ना भाई x, और ये हो गया आपका y। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अंतर है तो सेम चीज़ होगा, घटाओ का चिन्ह कर देना है, इंटू T1 तथा T2 का योग। T1 तथा T2 का योग यहाँ पे कितना दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए 5 एक दिया गया है, 5 मिनट और 2.5 मिनट, तो यहाँ पे 5 + 2 5 / 60, क्योंकि ये जो है ये मिनट में बदल दिया गया है, 60 से यहाँ पे मतलब गुना करेंगे तो ये पॉइंट जो है मतलब ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 × 10/2 × इसको आप ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा इतना बटा 60 आ जाएगा ना, 2.5 आप प्लस को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7.5 हो जाएगा ना, उसके बाद बटा 60, इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा आ जाएगा 5 किलोमीटर करेक्ट आंसर। अगर आपको इस सवाल में कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, ये नहीं सोचना है कि हमको नहीं आ रहा है तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है, आपको आराम से पूछना है, एकदम दिल खोल के पूछना है, ठीक है। चलिए एक सवाल और बचा है हमारा, लास्ट सवाल है, इसको जूम करते हैं। चलिए सवाल को देखिए आपकी स्क्रीन पे, यदि कोई वस्तु अपनी वास्तविक चाल के a/b चाल से एक निश्चित दूरी को तय करती है तथा t घंटे पहले पहुंच जाती है तो उसके वास्तविक चाल से लिया गया समय होगा, तो ये समय होगा, तो देखिए a हो गया ना, a ऊपर में a है, बटा a तथा b का अंतर इंटू t। अब यहाँ पे आपको क्या करना है देख लीजिए, सिंपल सी बात है और सिंपल सी ट्रिक भी लगेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति को गति की 6/5 गति से चलता है तो वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले यानी बिफोर पहुंच जाता है, उसकी गंतव्य स्थान पर पहुंचने की सामान्य समयावधि कितनी है। तो देखिए अभीष्ट समय यानी कि ए जो है आपका कितना है, ए यहाँ पे कहीं दिख रहा है, तो ए मान लीजिए कि आपका हो गया a/b है ना, तो ए हो गया ऊपर, बी हो गया ये, ठीक है, a/b हो गया, सिंपल सी बात है, ए और बी। उसके बाद आपको यहाँ पे ए का मान रखना है कितना है, तो यहाँ पे भाई ए का मान 6 मैंने रख दिया, उसके बाद ए तथा बी का अंतर कर है तो 6 - 5 कर दिया, इंटू टी कितना है यानी टाइम 10 मिनट है तो 10 मिनट लिख दीजिए, इसको आप 6 और 1 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 6 = 60, ठीक है, हो जाएगा ना, तो 60 मिनट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कितना आपको अगर एग्जाम में बिना डाटा की अगर दे दिया जाता तो आप सोच ये कैसे बनेगा, 6 / 5 कर रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे, तो थोड़ा सा आप पे इसके मदद से आप बहुत सारा मतलब इस पे सवाल हल कर सकते हैं डाटा चेंज कर करके, ठीक है, डिजिट जितना हो सके चेंज करके खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा आपके लिए एग्जाम्स के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही था, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मैंने बताया कि उस वीडियो को जाके अभी मोटिवेशनल वीडियो एक जैसा है मुझे लगा भाई, तो उसे जाके एक बार देख लीजिएगा और सभी जगह फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा टिकटॉक सब जगह का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियो अभी अपलोड किए जा रहे हैं जैसे कि मोटिवेशनल मतलब इंडियन नेवी से रिलेटेड, तो जाके एक बार जरूर देखिएगा सभी लोग। थैंक यू सो मच।